नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, हेलो मेरे मित्रों, मैं दीपक आपके संपर्क आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा जो कि जिसकी तैयारी उत्तर प्रदेश के जो बीए बीटीसी शिक्षा मित्र और मेरे प्रिय बंधु भाई दोस्त जो भी हैं जो बहुत मन से तैयारी इसकी करते हैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं आपसे या ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भविष्य में एक अच्छे शिक्षक के रूप में जाएं और हमारे जो गरीब तबके वर्ग है दबे कुचले लोगों को अच्छी शिक्षा दे तथा मेरी ईश्वर से यही कामना है कि जो भी इस चैनल को देख रहा है वह प्रभु की ईश्वर से मैं कामना करूंगा कि वह अध्यापक के रूप में प्रतिष्ठित हो और मेरे जो युवा और बुजुर्ग जो भी भाई बहन है सबको अपनी मनोकामना की पूर्ति मिले। आइए आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं प्राइमरी टीचर भर्ती के बारे में। मैंने जैसा कि पहले स्टार बनाकर लिखा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी या कोई नहीं जानता कब तक आएगी। मैं अन्य यूट्यूबरों की तरह सब्सक्राइब या लाइक के लिए या शेयर करने को नहीं आपको बोलूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वो करिएगा। कब तक आएगी यह जानकारी मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। तो मान के चलिए कि आपका जो भी डेट का फॉर्म नहीं आया है तो मान चलिए कि दिसंबर या जनवरी तक डेट का फॉर्म आएगा। एक महीने तो आपको डेट की तैयारी फॉर्म भरने के लिए मिलेंगे। तो मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में भी आता है तो जनवरी तक तो फॉर्म भरा जाएगा और एक महीना पढ़ने के लिए। तो ये परीक्षा की जो टेट की है मान के चलिए कि अब यह टेट की परीक्षा कब आएगी होगी मार्च में। अब ये टेट की परीक्षा होगी मार्च में। अब सिर्फ बिना टेट का फॉर्म आना नहीं है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आएगी और मिडिल की जो डेट स्कूल विद्यालय में भर्ती रही है वो भी नहीं आएगी। तो यह टेट मार्च में आएगा। तो आप मान के चलिए कि एक महीना रिजल्ट अप्रैल आपका बीत गया, अप्रैल बीत गया तो मई या जून तक आपका जो प्राइमरी का नोटिफिकेशन है आ जाएगा। तैयारी करते रहिए मेरे मित्रों, क्योंकि आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो भी सीटें आएंगी आपको एक सीट से मतलब है और अपनी तैयारी को इतना अच्छा कर दीजिए कि आपको कोई रोक ना सके। आप टारगेट लेके चलिए 120 प्लस, आपका सिलेक्शन में 95 पे ही कह रहा हूं हो जाए, 100 पे ही हो जाए, इससे मुझे क्या लेना देना। हमको तो 120 लाना है, अपना टारगेट लेके चलिए तभी आपको सफलता मिलेगी। आप 120 का टारगेट रखेंगे तभी 110 आएगी, 110 का टारगेट रखेंगे तभी 100 आएगी। आप पहले ही 100 लेंगे तो पता चला 95 पर ही अटक जाएंगे, अटक जाएंगे कि नहीं अटक जाएंगे। ठीक, ये बात क्लियर होगी। मैंने बता दी टेट का 1/4 जुड़ेंगे क्या, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अन्य यूट्यूबरों की तरह मैं ये नहीं बताऊंगा कि नहीं नहीं जुड़ेंगे जुड़ेंगे, नहीं, मेरा कार्य भुलवाना नहीं होता है, अच्छी जानकारी स्पष्ट करना है। इसकी अभी कोई गुंजाइश नहीं कि जुड़ेंगे, ऐसा ना कोई सरकार का स्टेटमेंट आया है नहीं कहीं कोई विज्ञापन आया, इसलिए अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। स्पष्ट मेरी बातें रहती है, एकेडमिक मेरिट नहीं जुड़ेगी, ये अभी कोई गारंटी नहीं कि एकेडमिक मेरी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। हाँ, अभी तक जो प्रक्रिया उसमें जुड़ती है और आगे भी मुझे लगता है कि एकेडमिक मेरी जुड़ेगी, हालांकि मैं इसका सपोर्टर नहीं हूँ, इसका विरोध भी हूँ, क्योंकि जो छात्र 105 से लेकर 108 तक नहीं हो पाए उनको खुशी और जुड़ेगी। डीएलएड बी एड में जिसका अच्छा 90-95 पर सिलेक्शन लेकर टीचर हो गए हैं तो ये बहुत दुख की बात है, इसका मैं समर्थन नहीं करता। ये बी एड या बीटीसी जिसको भी बुरा लगे उसके लिए मैं नहीं कर सकता। फिर अब पदों की संख्या कितनी रह सकती है, अभी तक जो सरकार का स्टेटमेंट आया है 51,112 पद बताए कि हमारे प्राइमरी में खाली है, लेकिन ये पद 2 साल पहले के थे, इसमें 22,000 सीटें नहीं हुई है। तो मान के चलिए कि 60 प्लस ये चुनावी भर्ती, इससे ज्यादा तो आपको आन भर्ती देखने को मिलेगी मिलेगी। और सरकार में जैसे सतीश द्विवेदी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा भी था कि डाटा मंगाया जा रहा है 50 प्लस सीटें बढ़नी ही बढ़नी है। आप मान के चलिए हमें एक सीट है और ये अभी सीटें बहुत होती हैं यार तैयारी करने के लिए, लेकिन मान के चलिए 60 प्लस सीटें रहे, ये अभी क्लियर हो गया। पढ़ाई कैसे करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, पढ़ाई खिचड़ी की तरह मत करें, पढ़ाई सिलेबस के साथ, सिलेबस उठाइए आगे रखिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या छोड़ना है। सिलेक्शन वही पाता है जो सिलेबस है, सिलेक्शन वो नहीं पाता है जो बहुत पढ़ता है 8-10 घंटे, नहीं, सिलेक्शन किसके हिसाब से होना चाहिए, एक्यूरेटली सिलेबस के हिसाब से, किससे, सिलेबस के हिसाब से। तो मेरे प्रिय छात्रों या दोस्त मित्र, मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग तैयारी में जुड़े रहिए, आपको ईश्वर जरूर आपकी सफलता दिलाएगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। इसी के साथ गुड बाय, नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई खबर लेकर। धन्यवाद।